तुले न तुलसी तौर। श्री तुलसीदास जी तो चित्रकूट की महिमा में एक ही बात कहते हैं, सांप ने नेवले को काट लिया और नेवले पे चढ़ा सांप का जय, भागा नेवला और कहीं गया कोई जंगली जड़ी, अब तो नेवले ही जानता होगा कौन सी है, वो सूंघ कर देख कर आ जाता तो सांप का जहर उतर जाता, फिर सांप से लड़ने लगता। तुलसीदास जी ने कहा यही हमारी दशा है, ये संसार सांप है, और तुलसीदास जी बोले हम नेवला हैं। ये भव भुजंग तुलसी नकुल डसत ज्ञान हर ले, तो औषधि कौन सी, बोले चित्रकूट वह औषधि चितवत होत सचे, अब चितचेत चित्रकूट ही चले, सब सोच विमोचन चित्रकूट कलिहरन करन कल्याण बूट, तुलसी जो राम पद चहिए प्रेम से ये गिरी कर निरुपाद में, चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाए, भगवान चित्रकूट में पधारे। अब चित्रकूट की धरती उनकी पहुनाई कर रही, हम लोग दर्शन करें। बेहरत सियर भुबीर तीर मंदाकिनी के, बेहरत सियर भुबीर तीर मंदाकिनी के, संग लखन रणधीर तीर मंदाकिनी के, बेहरत सियर भुबीर तीर मंदाकिनी के। चित्रकूट की प्रकृति पहुनाई कर रही है, शीतल पवन सुबिजन डुलावे, शीतल पवन सुबिजन डुलावे, सुरगन मुदित सुमन बरसावे, सुरगन मुदित सुमन बरसावे, शीतल मंद समीर मानो पंखा जल रहे, देवताओं ने पुष्प बरसाए तो शीतल मंद समीर सुगंधित भी हो। अच्छा तो कोई स्वागत गीत गाने लगा, अच्छा स्वागत गीत कौन गा रहा है, बोलत कोयल कीर तीर मंदा, बोलत कोयल कीर तीर मंदाकिनी, कोकिल और कीर मानो स्वागत गीत गा रहे हो, और सचमुच राम जी के गीत तो दो नहीं गाए, कोकिल ने और कीर ने, कोकिल कौन का बंदे वाल्मीकि कोकिलम मधुरम मधुराक्षरम, आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम, राम राम करने वाले श्री वाल्मीकि जी कोकिल, और कीर कौन, कीर जो नाम रटे तुलसी सो कहे जग जान की नाथ पढ़ाए, तुलसीदास जी कहते हैं हम तो तोते की तरह हैं, तोता हम है, तो आप कीर क्यों हैं, कहा हमारी गुरु परंपरा है, आपकी गुरु परंपरा कैसे, श्री हनुमान जी जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, और हनुमान जी ने जब राम जी से मिलाया तो कहा क्या, श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख तुलसी तू क्यों रोता, सफल करो दृग हनुमान जी बोले बन कर तोता, हनुमान जी तोता ही बन गए, और तभी तो कहा चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, तो हमारे हनुमान जी ने भी वह रूप बनाया, और तो हम भी कीर जो नाम रटे तुलसी, और कोकिल वाल्मीकि जी कीर तुलसीदास जी, और वैसे देखा जाए तो श्रीमद भागवत के लिए
अगर शुकदेव भगवान शुक हैं तो रामचरितमानस की पावन कथा के लिए श्री हनुमान जी शुकदेव बने और श्री तुलसीदास जी कीर जो नाम रटे तुलसी तो बोलत कोयल कीर तीर मंदाकिनी। अब मयूरों ने देखा तो जनक ललियरु जानकी जीवन मोर कहे मोरे दो धन तो नाचत सुधि न शरीर तीर मंदाकिनी। मयूर तो नृत्य ही कर रहे थे, हिरणों ने तो भागना छोड़ दिया। न डगे न भगे जिए जान सिली मुख पंच धरे रति नायक। कविता वाली बन गई। हिरणों ने देखा तो हेरी हिरन तन सुधि बिसरावे भूली भागी वो भाग मनावे बहत द्रगन ते नीर तीर मंदाकिनी के। और जनक दुलारी के पद पर सत चित्रकूट के कण कण हर सत धनि हमरी तकदीर तीर मंदाकिनी। और घर बैठे सियाराम पधारे भील कहें धन भाग हमारे भई दर्शन को भीर तीर मंदाकिनी। देखे आए सिया रघुराई जन राजेश के नैनन पाई जुगल रूप जागीर तीर मंदाकिनी के। देखो भगवान से मिलने तो देवता भी आए और महात्मा भी आए। देवताओं को राम जी ने प्रणाम किया, राम प्रणाम कीन सब काहू मुदित देव लही लोयन लाहू। और महात्माओं को आवत देख मुदित मुनि वृंदा कीन दंडवत रघुकुल चंदा। लेकिन देवता कुछ भेंट लेकर आए हो ऐसा उल्लेख नहीं। महात्मा भी जैसे थे वैसे ही आए, देवता जैसे थे वैसे ही आए। लेकिन इन विचार जिनके पास पुण्य का बल है वे भी कुछ लेकर नहीं है, त्याग तपस्या का बल वे भी नहीं। लेकिन जिन विचारों के पास कुछ नहीं है वे कोलवील कंदमूल फल भरी भरी दोना, दोने में कंदमूल फल भरे, नेत्रों में प्रेम जल है। किसी ने कहा तुम तो रोज लूटने जाते थे किसी ना किसी को, हाथों में धनुष बाण और भाला बर्छी लेकर क्या वो धंधा छोड़ दिया? भील बोले धंधा कैसे छूट सकता, आदत पुरानी, तरीका बदल दिया। धंधा नहीं छोड़ा, तरीका बदल दिया है, आज भी लूटने ही जा रहे हैं। अच्छा किन्हें लूटने जा रहे हो? का जो लूटने आए हैं, जो लूटने आए हैं और कृपा का खजाना लुटाने आए हैं। अच्छा तो कैसे लूटोगे? का उनको धनुष बाण और भाला बर्छी से नहीं लूटा जा सकता, फिर हम ये वन फल लेकर जा रहे हैं, कंदमूल फल भरी भरी दोना। और दोना इसलिए कि हम तुम दोना ये अलग अलग मत समझना, आप आराम से यहां रहेंगे। और वन फल के बदले में मिलेगा क्या? का वन फल के बदले में जीवन का फल प्राप्त होगा। तो वन फल के बदले में जीवन का फल मिले ये लूट नहीं तो और क्या है। कंदमूल फल भरी भरी दोना चले रंक जन लूटन सोना। और राम जी ने इनसे जो नाता जोड़ा, देवताओं से प्रणाम का संबंध, महात्माओं से दंडवत का संबंध, पर कोल भीलों से परिवार का संबंध, वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा ऐन वचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बैन। क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले हो जो जान निहारा। भील
अब अपनी भावना व्यक्त करते हैं, महाराज हम सब भांति कर्म हम सब तरह से सेवा करेंगे। वो यहां सकल ऋतु राहु सुखारी बन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, सब हमारे प्रभु पग पग, जो आपको जो पता नहीं सो हमें पता है, हम सब बताएंगे आपको, शिकार खिलाएंगे, थक जाओगे तो झरने बताएंगे कहां। भगवान मुस्कुराते हैं। भोजपुरी बोली के किसी भक्त कवि ने एक बड़ा अच्छा भाव लिखा, भील बालक राम जी को घेर लेते हैं और यही कहते हैं, हम बनवासी कोल भील के बिटुआ, हम बनवासी कोल भील के बिटुआ, रउआ राजा बाबू हुआ रउआ, राजा बाबू हुआ रउआ, राजा बाबू हुआ रउआ, राजा बाबू हुआ रउआ, हम बनवासी कोल भील के बिटुआ रउआ, राजा बाबू हुआ रउआ, राजा बाबू हुआ राजा बाबू हुआ रउआ। हम वन में रहने वाले कोल भीलों के बालक हैं, पर सरकार राजा बाबू हुआ रउआ, रउआ माने आप, हुआ माने हो आप, तो राजकुमार हो। हम बनवासी लोग नहीं बानी तोहरा जोग, हम वन में रहने वाले आपके लायक नहीं, हम बनवासी लोग नहीं बानी तोहरा जोग, आपके लायक नहीं। लायक नहीं तो हमारे पास आ क्यों गए, लक्ष्मण जी ने पूछा। वीर बालक राम जी की ओर देखकर बोले, सरकार हिम्मत तो नहीं हो रही, पर क्या करें, मन रीझी गईला तोहार देख के सुभौआ रउआ, राजा बाबू हुआ, मन रीझी गईला तोहरा देख के सुभौआ रउआ, राजा बाबू हुआ, राजा बाबू हुआ, राजा बाबू हुआ। आपका स्वभाव देखकर मन रीझ गया, स्वभाव के कारण आ गए, लेकिन संकोच है, का खिलाई का पिलाई, क्या खिलाएं क्या पिलाएं, कहवा आसनी लगाई, कहां ठहराएं, तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो, पर आपके लायक नहीं है। हमनी का धन फल फूल ओ पतुआ रउआ, राजा बाबू हुआ रउआ, राजा बाबू हुआ रउआ, राजा बाबू हुआ रउआ, हमारा धन तो फल फूल और पत्ते हैं, आप तो राजा महाराज हो। राम जी मुस्कुरा रहे, उनकी प्रेम भरी यह बातें सुनकर। तब तक एक भील बालक ने पूछा, एक बात पूछे सरकार, नाराज तो नहीं हो, नहीं पूछो, कोई तोहरा घरे बाटे, आपके घर में और कौन कौन है, आपके घर में और कौन कौन है, किसके बारे में पूछ रहे हो। राम जी ने कहा, भील बालक बोले, माई बाबू बाकी ना, माता पिता है या नहीं, माई बाबू बाकी ना, माता पिता है या नहीं, उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो, माता पिता के बारे में क्यों पूछ रहे हो। भील बालक बोले, इसलिए कि अगर माता पिता होते तो आप जैसे सुकुमार कुमारों को वन में आने देते, अगर माता पिता होते तो आप जैसे सुकुमार कुमारों को वन में आने देते। लक्ष्मण जी मन ही मन बोले कि उन्हीं ने तो भेजा है, कहते माता पिता नहीं तो भेजा है। अब लक्ष्मण जी ने सोचा कि अप्रिय, लक्ष्मण जी ने कहा कि उन्हीं ने भेजा है, अब राम जी मन में सोचने लगे कि इस अप्रिय प्रसंग को बदलना चाहिए, तो राम जी ने अब इनको मना भी कैसे करें कि ये सब ना पूछो, तो राम जी ने की युक्ति अपनाई, कहने लगे, देखो हम लोग साधु लोग हैं, संत हैं, और साधुओं से ये नहीं पूछना चाहिए कि घर में कौन कौन है और कहाँ घर है और कहाँ,
भील बालक बोले हम पूछते तो नहीं, लेकिन नाराज ना होना, एक बात कहें क्या, हमने क्यों पूछ लिया मालूम, साधुओं से तो नहीं पूछना चाहिए। राम जी बोले तो हम लोग साधु हैं, ना पूछो हमसे। भील बालक बोले सरकार नाराज ना होना, तो एक बात कहें क्या, तपसी के बेस, आपका ये जो साधु बेस है ना, तपसी के बेस तोहरा लागता बनुआ रउआ राजा बाबू राजा बाबू हमारा, तपसी के बेस तोहरा लागता बनुआ रउआ राजा बाबू हमारा, राजा बाबू हमारा, राजा बाबू हमारा, राजा बाबू हमारा। आपका ये साधु भेष तपस्वी भेष बना हुआ लगता है, आप राजकुमार हो, छिपा रहे हो। और राम जी इस बात पर खूब खुलकर हंसे और राम जी को हंसते देखा तो अब ये कहने लगे, अच्छा तो आप भी मान गए कि आप राजकुमारी हो, साधु भेष तो ऐसे ही बना लिया। अच्छा एक बात बताएं, साधु नहीं हो बने हुए हो तो काहे को परेशान हो पेड़ के नीचे और वन में, हमारे घर चलो, घर तो छोटा, आप रहना घर में, हम चाहे बाहर ले लेंगे, हमको तो अभ्यास है, तुम्हें अभ्यास थोड़े ही होगा। चलो हमरा घरे रहा। अब राम जी मौन, और राम जी ये सोच रहे हैं कि पिता के वचनों से बंधा हुआ ना हो तो ये नेह भरा निमंत्रण अवश्य स्वीकार कर। तो वे बोले आप कुछ बोल नहीं रहे सरकार, चलो हमरा घरे रह, चलवा की न किछु कहा, कुछ तो कहो। लक्ष्मण जी बोले बड़ी अकड़, नहीं नहीं छोटे सरकार अकड़ बिल्कुल नहीं, मर्जी बा तुहार किछु नहीं बा दबुआ रउआ, आपकी मर्जी हमारा कोई दबाव तो है नहीं, मर्जी बा तुहार किछु नहीं बात बउआ रउआ राजा बाबू हौआ रउआ राजा बाबू हौआ रउआ, हम बनवासी कोल भील के बटुआ रउआ राजा बाबू हौआ रउआ राजा बाबू हौआ रउआ। तुलसीदास जी कहते ये कोल भीलों की भावना देखकर भगवान यहीं रह गए, पर्ण कुटी बनाकर चित्रकूट में ही रहे। भय सब साधु किरात राम दरस मिट गई कलुसाई, आई रहे जब ते दो भगवान चित्रकूट में ठहर गए। कहे वो राम बन गव सुहावा, सुनहु सुमंत अवध जीवी आवा, नाम राम राम
राम बन गवन सुहावा। अब सुमंत जी का वर्णन कर रहे हैं श्री तुलसीदास जी, निखाद राज प्रभु को पहुंचा कर लौटे। जो देखा सुमंत की विक्षिप्त दशा और घोड़े देख दखिन दिसी, हाय है ही है ना ही जिम बिनु पंख विहग, बस दक्षिण दिशा की ओर देखते, नहीं जल पिए ही न चर ही तृण लोचन मोचत बा। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर कोई कह दे राम या कहे श्री राम, श्री सीताराम, श्री लक्ष्मण, कोई नाम ही ले दे, जो कहे राम लखन वैदेही, तो वे घोड़े हेकरी हेकरी हेत हे रही पे। अच्छा, इनका वर्णन करके मानो श्री तुलसीदास जी यह कहते हैं कि जास वियोग विकल पशु ऐसे तो प्रजा मातु पितु जीवन। निखादराज समझाते हैं सुमंत जी को किसी तरह सेवक देकर विदा किया। अयोध्या में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं हो रही है सुमंत सास। बैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारिस गुरु बामन। क्या संदेश सुनाऊंगा मैं माता कौशल्या को और दशरथ जी को, जीवन जासु राम आदि, उनसे क्या कहूं। दिन भर एक वृक्ष के नीचे बैठकर समय बिता दिया। रात हो गई जब सब सो गए, ऐसा अनुमान मन में किया और सुमंत जी अयोध्या में प्रवेश करते हैं। अवध प्रवेश कीन अंधियारे, पैठ भवन रथ राख द्वारे। लेकिन राम जी के बिना नींद किसे आवे, जिन जिन समाचार सुन पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। आशा थी कि शायद लौटकर आ गए होंगे, लेकिन जब देखा तो रथ पहचान, ये वही रथ है। हाँ रथ तो वही है, तो राम जी आ गए होंगे, हो सकता है उतर के भवन के भीतर चले गए होंगे, तब तो दर्शन हो ही जाएगा। एक बोला नहीं आए, तुमने कैसे जाना। का घोड़ों की दशा तो देखो, विकल लखी घोड़े गरही गात गिने आत पहोरे। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सुमंत जी को महाराज दशरथ ने देखा, आगे सुमंत राम लक्ष्मण जानकी आ गए। अच्छा ठहरा दिया होगा, उन्हें विश्राम करने का, सवेरे मिलेंगे, मुझे था कि वे लौट कर आए। सुमंत जी कुछ बोले नहीं। महाराज दशरथ कहते मौन है मंत्रीवर, क्या बात है। महाराज राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिय ही चढ़ाई चढ़े रघुराई, लखन बाण धन धरे बनाई। अब ये मंत्री मंत्री को तो महाराज ये सोचे कि वो नाव मांगनी पड़ी और केवट नहीं आया, और फिर ये राम सखा नहीं कहा कि नाव लेकर आओ, नाव आ गई। राम जी चढ़े और सीता जी को बिठाकर फिर बैठे, और लक्ष्मण बड़ी सेवा कर रहे हैं बहुत, और राम जी ने भी कहा कि पिताजी को प्रणाम कहना, मैं शीघ्र लौट कर आऊंगा। और फिर लखन कहे कजु बचन कठोरा, यद्यपि भगवान ने कहा था कहो न तात लखन लरिकाए, लेकिन सुमंत जी ने कहा कहो, क्यों लखन कहे कजु बचन कठोरा, पर राम जी ने तुरंत रोक दिया। बरज राम, राम जी ने रोका और फिर मेरे हाथ जोड़े, पुनि मोही निहोरा, और बार बार निज शपथ दिवाई, कहो न तात लखन लरिकाए, कि लक्ष्मण का लड़कपन है ये मत कहना। देखा राम कितने महान है,
लक्ष्मण भी कुछ कहें तो राम सहन नहीं कर सके, वे आपको इतना चाहते हैं और आपको चाहते हैं तो आपके बिना भी वन में रह थोड़े ही पाएंगे, आप चिंता न करो जल्दी आएंगे, थोड़ा धीरज रख, यही भाव था। लेकिन सुमंत जी ने कहा, राम तो मुझे चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मण ने क्या कहा? अरे महाराज जाने दीजिए, राम जी ने शपथ दिलाई है लड़के, अच्छा तुम मुझे गाली दी होगी, अपशब्द कहे होंगे और कुछ नाराज इसी पर होगा कि मेरे कारण राम वन में गए। हाँ हाँ बात ये, तो हमारे लिए अपशब्द कहे? हाँ महाराज कहे तो अब हम क्यों कहें, लेकिन कहे, अच्छा कहे हैं। सुमंत लक्ष्मण ने अगर मुझसे अपशब्द कहे हैं और मेरा विरोध किया है तो मैं बहुत प्रसन्न हो गया, मैं बहुत प्रसन्न हो गया और निश्चिंत हो गया। अब मेरा राम वन में 14 वर्ष भी रहे तो कोई चिंता नहीं है। कहा क्यों नहीं है? क्योंकि लक्ष्मण उसके साथ। राम वन में रहे तो अब मुझे चिंता नहीं है क्योंकि लक्ष्मण उनके साथ है। लक्ष्मण राम का विरोध करने पर जो लक्ष्मण अपने बाप को नहीं छोड़ सकता वो दूसरे किसी को क्या छोड़ेगा, इसलिए मैं निश्चिंत हूं राम की सेवा में लक्ष्मण। लेकिन सुमंत वे यहां तक नहीं आ सके तो मुझे वहां ले चलो। सखा राम सिय लखन जहां तहां मोही पहुंचा नाही तो चाहत चलन अब प्राण काम सती भा राम राम राम। क्या मैं राम के बिना रह सकता? रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते हा जानकी लखन रघुवर हा पितु चित चातक जल ला 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 राम राम राम। नमस्ते दोस्तों, तरुण मंथन में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल पर हम सद्गुरु के शिक्षाप्रद संदेशों को अनमोल ज्ञान के साथ साझा करते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। कौशल्या, मुझे श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप याद आ रहा है। तब तो मुझे बुरा लगा था, लेकिन आज यह श्राप सहयोगी बन गया। राम रहित दिख जीवन आशा। धन्य है महाराज दशरथ, जियत राम विधु वदन निहारा, राम विरह करी मरण संवारा। राम कौशल्या माता समझा रही है, करण धार तुम अवध धीरज धरिए तो पाइए पारू, ना ही तो बूढ़ी सब परिवार।
लेकिन महाराज सत्य प्रेम यही राम पद विछुरत दीन दया, प्रिय तनु तृण एव परिहरे। जय महाराज जियन मरण फल दशरथ पावा। अयोध्या में अंधेरा हो गया, सूर्यास्त होने पर अंधकार जैसे सर्वत्र छा जाता है, इसी तरह अयोध्या भर में चर्चा अथयो आज भानु कुल भान। गुरुदेव पधारे, ज्ञान विज्ञान की वार्ता करते हैं ताकि शोक दूर हो सके। तेल नाव भरी नृपतनु राखा, गुरुदेव ने दूतों को बुलाकर कहा, भरत शत्रुघ्न को बुलाकर लाओ, अति शीघ्रता से जाना, मार्ग में यह समाचार किसी को मत देना। इतना ही कहे वो भरत सन जाई, गुरु बुलाए पठाए तो भाई, अनरथ अवध आरंभे जबते, कुसगुन हो ही भरत कहूं तबते, देखें रात भयानक सपना, जाग करें कटुकोटि कल्पना, मांगई हृदय महेश मनाई, कुशल मात पित परिजन भाई। धावन पहुंचे आए गुरु अनुशासन, श्रवण सुनि चले गणेश मनाए, नागत सरित शैल बन बांके, श्री अवध आ गए। अब तो अवध में प्रवेश हुआ रथ, ये उत्तरीय के बहाने, उत्तरीय से आंसू पहुंचते हैं जो दूत अभी तक अपना हृदय मजबूत किए रहे। भरत जी पूछते क्या बात है, बहाना कर देते पसीना आ गया उसे पहुंचते। लेकिन भरत जी ने कहा कि अयोध्या तो है पर अयोध्या वैसी नहीं है, धर्मसान जन परिजन भूता, ये अयोध्या वैसी नहीं है, भूमि से नभलो न धूम है हवन के कहूं, गौए डकरात बिलखात बाट बाट हैं, वेद विहित पाठ हैं, न विप्रन के ठाट हैं, सुने शत्रु सूदन क्यों सरयू के घाट हैं, ये अयोध्या वो नहीं। अब भरत जी व्याकुल हैं कि कुछ समाचार मिले, और डर ये कि कोई अशुभ सुनने को न मिले, कुछ अशुभ सुनने को न मिले, और नगरवासी सामने से पड़ भी जाएं तो पुरजन मिले ही न कहीं कछु, गवही जुहा नहीं जाए, चुपचाप प्रणाम करके चले जाते हैं। और भरत कुशल न पूछ सकही भय विषाद। अब भरत जी ने कहा रथ माता कैकेयी के भवन की ओर ले चलो। क्यों? माता कैकेयी के भवन में श्री राम रहते हैं, वही महाराज दशरथ, तो वही श्री लक्ष्मण होंगे, वहीं सभी माताएं होंगी, तो एक ही जगह सब मिल जाएंगे और सबका समाचार मिल जाएगा। अब भरत जी ने तो इस भाव से रथ को मुड़वाया माता कैकेयी के भवन की ओर, लेकिन लोगों ने कहा माता बेटे की मिली जुली भगत है, रथ उधर ही जा रहा है, एक भरत कर सम्मत कहां ही। तो दूसरे का भाई हो सकता है, इस जमाने में कुछ भी असंभव नहीं है, पर कुछ जो तीसरे तरह के लोग हैं उन्होंने कानों पर हाथ रख लिए, कान मूंद कर और रद गई जीहा, दांतों से जिह्वा दबाते हैं, एक कहीं यह बात अलिया, यह असत्य है असत्य है असत्य है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अब माता कैकेयी को पता लगा कि पुत्र आया है तो सज आरती मुदित उठे धाई, जिस देवी के पति का शव तेल के कड़ाह में हो, अंतिम संस्कार न हुआ हो, वो पुत्र के आगमन पर आरती की थाली सजा कर जाए। परिछाई भी होती पराई, सुख की
आस तजो मेरे सुख ये जगत बड़ा दुखदाई सुख की आस तजो मेरे हो ये जगत बड़ा दुखदाई सुख की आस तजो उसने ही दुख पाया सुख की आशा रखी जिसने इस दुनिया से मोह बढ़ाकर बोलो प्यारे किसने कब चैन की बंसी बजाई सुख की आस तजो सुख की आस तजो जिसको तूने अपना समझा निकला वही पराया तेरे हुए न कोई लेकिन तुझको होश न आया कई बार ठोकर खाई सुख की आस तजो दुनिया दिखती नई है लेकिन खेल पुराने चलते दोहराता इतिहास स्वयं को केवल पात्र बदलते बस रीत यही चली आई सुख की आस तजो होता कभी महाभारत कभी बनती है राम कभी कंस कभी रावण के हित आते हैं नारायण कभी कृष्ण कभी रघुराय सुख की आस तजो जग से सुख की आशा तज कर राम भरोसे रह ले मन को मन मोहन का बना कर राजस मुख से कह ले श्री राम शरण सुखदाई ये जगत बड़ा दुखदाई सुख की आस तजो ये संबंध सजी आरती मुदित उठ धाई पति का शव तेल के कड़ाह में बेटे की आरती द्वारी भेंट हृदय से लगा लिया बेटे को भवन ले आई लेकिन भरत जी को लगा कि सब अनुकूलता पर भीतर गए तो कोई नहीं भरत जी पूछते मां पिताजी कहां है कहू कहां तात कहां सब माता पिताजी नहीं है और माताएं कहां हैं और राम लक्ष्मण भैया कहां हैं कहके जी बोली बेटा मैं सब समझाती हूं तुम्हें सब समझाती हूं बात यह है तात बात में सकल संवारी मैंने सब बात बना ली तो आपने अकेले नहीं एक सहायक भय मंथरा सहाय बिचारी सहायक भी था अच्छा तो बात बन गई कुछ बिगड़ गया कुछ कछु को काज तो किससे बिगड़ा आपसे कि मंथरा से ना हमसे ना मंथरा से कछु को काज विधि बीच बिगाड़े ब्रह्मा जी ने बिगाड़ दिया बनाया हमने बिगाड़ा ब्रह्मा जी भूपति स्वरूपति पूर्व पग उद्वार गए महाराज दशरथ का देहावसान हो गया भरत जी रोने लगे कि ये कुछ बिगड़ा है सब कुछ बिगड़ गया अब ये कुछ समझाने लगी बेटा यह संसार का नियम है जो आता है वह जाता है मां पिताजी के अचानक मृत्यु का कारण पूरी कहानी सुनाई
भरत ही बिसरे पितु मरण सुनत राम बन गौन हेतु अपन पौ जान जिए थकित रहे धरी मौन। पिताजी की मृत्यु का दुखद समाचार भूल गए राम जी के वन गमन का समाचार। भरत जी संत हैं लेकिन इस समय तो सुन सुट सहमे राजकुमार भरत। बेटा मैंने तेरे भले के लिए किया, पेड़ काटकर पत्तों को पानी देने से पेड़ का भला नहीं होता, और मछलियों के जीवने के लिए तालाब को खाली कराते हैं, पेड़ काटते हैं पालव सींचा मीन जीने बारी उनीचा, बर मांगत मन भई नहीं पीरा गरी नजी है मुंह परेउ नकीरा भूप प्रतीत तोरी किमकीनी मरण काल विधि मति हरि लीनी। यह श्री भरत जी बोल रहे। भरत तो संत है और ऐसे। अरे भाई संत की गाली भी कल्याण करती है, डांट भी कल्याण करती है। ये क्रोध तो शैली है, तत्व तो कृपा का है। कैसे? डॉक्टर के हाथ में भी छुरी और डाकू के हाथ में भी छुरी, पर डॉक्टर के नाम के साथ विख्यात लगता है और डाकू के नाम के साथ कुख्यात। एक को पुरस्कार दिया जाता है, एक पर पुरस्कार बोला जाता है। छुरी का प्रयोग दोनों करते हैं, पर एक जीवन बचाने के लिए और एक जीवन नष्ट करने के लिए। भरत जी की गाली संत का वह शस्त्र है जिसने कैकेयी जी के कल्याण के लिए ही इसका उपयोग किया है। कैकेयी जी के मन में आसक्ति का फोड़ा हो गया है, राम जी की भक्ति थी। अच्छा, भक्त के साथ यही समस्या है कि सत्संग से जो मन भक्ति से भर जाता है, कुसंग मिलने पर वही मन आसक्ति से भर जाता है। मंथरा के कुसंग ने भक्त कैकेयी जी को बेटे की आसक्ति से भर दिया। अच्छा, जिससे आसक्ति हो जाए वह अगर अपमान करे तो आसक्ति टूट जाती है। भरत जी को लगा कि मुझसे हो गई आसक्ति और राम जी की भक्ति से ही अलग हो गई है, तो ये दुर्वचनों के शस्त्र का प्रहार किया आसक्ति के फोड़े पर। और जब आसक्ति वह अपमान करे तो कैकेयी जी कांप गई और रोते हुए बोली कि जिस बेटे के लिए ये वैधव्य लिया, जिस बेटे के लिए सब कुछ लुटाकर राज्य सुरक्षित किया, वह गाली दे रहा है। एक वो बेटा था जिसको 14 वर्ष के लिए वन भेजा तो भी चरणों में बार बार प्रणाम करके गया, मेरा वही बेटा अच्छा है, मेरा वही बेटा अच्छा है, वही अच्छा है। भरत जी मन ही मन खुश हुए कि ऑपरेशन सफल हुआ, मैं भी तो यही चाहता था कि आपको राम जी ही अच्छे लगे, यही यही सुख। भरत जी ने मां कहना बंद कर दिया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महातारी। लेकिन संत का विरोध राग द्वेष पूर्ण नहीं होता। अगर वही कैकेयी जी राम जी के मिलने वालों में चित्रकूट चलती हैं तो भरत जी उनकी भी व्यवस्था करते हैं। भाई सौंपी मातृ सेवकाई। इतने में मंथरा आ गए और मंथरा पर बड़ा ध्यान रखते थे लक्ष्मण जी कि जब गड़बड़ी करेगी यही करेगी। तभी कैकेयी जी ने कहा था दीन लखन सिकास मन मोरे, यही करेगी जब गड़बड़ी होगी, इसी की वजह से होगी। देखो उसी समय मंथरा आई तो सबको लगा कि आज लक्ष्मण जी नहीं है। तुलसीदास जी बोले जाने दो, लक्ष्मण जी नहीं है तो लख रिस भरी लखन लघु भाई। शत्रु को नहीं लिखा, लक्ष्मण के छोटे भैया तो हैं। और लक्ष्मण जी ने एक ही काम किया, वो बोलते तो हैं ही नहीं, पूरे मानस में बोले ही नहीं। होमगी लात तक कुबर मां बसन विभूषण विविध बनाई। अच्छा देखो ये मंथरा वस्त्र आभूषण धारण करके आई और इसने कैकेयी माता के वस्त्र आभूषण उतरवा दिए और यही कहा कि उतारो फटे पुराने वस्त्र पहनकर कोप भवन में जाओ,
जो दूसरों के वस्त्र आभूषण उतरवा के अपना श्रृंगार करते हो घर फोड़कर, उनका यही उपचार सही है। शत्रुघुन ने होमग लात तक ही कुबर मारा। किसी ने कहा अरे बात तो करते सीधे लात। शत्रुघुंडी ने कहा कि बात करना बड़ों का काम, हम तो छोटे हैं, बात बड़े करें, भरत भैया करें बात, हम तो लात वाले हैं। तो ये लात क्यों चला दी? बोले बहुत देर से बात हो रही थी, जब बात से बात ना बने तब लात। जब वार्ता पे वार्ता हो सफल हो ही, तब से बात ही तो हो रही। अच्छा तो भरत जी बड़े हैं, हाँ ये बात सही है, बात से बात बन जाए तो लात की जरूरत नहीं है, और जरूरत ना पड़े सो अच्छी, बात से ही बात बन जाए। अच्छा शारीरिक संरचना में भी देखें तो बात ऊपर है जिह्वा और लात नीचे है, लात तो रहे पर लात के ऊपर बात रहे, बात के ऊपर लात ना जाए। अब बात ही ऐसी हो तो अलग बात है। और आगे आगे भरत, पीछे पीछे शत्रुघ्न, पहले बात और जो बात नहीं तो फिर लात। लेकिन भरत जी ने फिर भी, भरत दयानिधि दीन छुड़ाई, शत्रुघ्न छोड़ दो जाए। और वो क्या कह रही, आह दयु में काह नसावा, करत नीक फल आने से पावा, अच्छा करते बुरा फल मिला। शत्रुघ्न जी समझ गए कि शारीरिक गड़बड़ी नहीं दिमाग भी खराब है, तो लगे घसीटन धरी धरी झोंटी। पर भरत जी ने कैसे छोड़, तो शत्रुघ्न जी ने कहा कि भरत भैया इसे छोड़ दूं? हाँ। तो ये अपराधी को दंड देना धर्म है कि अधर्म? अपराधी को दंड देना धर्म है कि अधर्म? का धर्म है का, तो धर्म का पालन करने दीजिए। तो भरत जी ने कहा कि पहले पता तो लगा लो वो अपराधी है कि नहीं। तो अपराधी क्यों नहीं सब जानते हैं? अरे का सब तो इसे जानते हैं कि पगली है, पूरी अयोध्या जानती है, नाम मंथरा मंद मति, मति मंद है, अब तो पगली है उसको क्या। तो हमारी माता कह कही तो विदुषी है। शत्रुघ्न जी कांप गए, तो क्या माता को अपराधी माने? भरत जी ने धीरे से कहा माता का भी अपराध नहीं। फिर अपराधी कौन है? भरत जी ने कहा कि विचार करो शत्रुघ्न, मंथरा ने तो माता को भड़काया, और क्या कहकर भड़काया, पूत विदेश न सोच तुम्हारे, मेरा ही तो नाम लिया कि तुम्हारा बेटा विदेश में है। अच्छा सोचो अगर बेटा ना होता तो आसक्ति होती, और आसक्ति ना होती तो क्या मैं भड़कती? तो सारा अनर्थ हुआ किसकी वजह से? बेटे की वजह से। तो मुझे तो लगता है कि कैकेयी माता का भी दोष नहीं, मही सकल अनर्थ कर मूला, सब मेरे कारण हुआ है, मैं ही अपराधी हूं, इसलिए शत्रुघ्न जो भी सजा मिले वो मुझे मिलनी चाहिए, जो दिल खोजूं आपना मुझसा बुरा न खोए। और मूल का मैं अनर्थ के वृक्ष का मूल हूं, और मूल दिखाई नहीं देता, तो कैकेयी माता तो दोषी दिखती हैं, मंथरा तो दिखती हैं, पर जिसके कारण यह सब उपद्रव हुआ वह तो मैं हूं। शत्रुघ्न जी चरणों में गिर गए कि धन्य है श्री भरत, निर्वधि गुण निरुपम पुरुष भरत भरत समझा, कौशल्याप ही गे दो भाई। शाम का समय, माता कौशल्या की बूढ़ी आंखें आंसुओं से भरी हैं। राम लखन सीय कहां बन के बसन योग, तिन्हें मुनिवेश कर कानन पठाया है। हाय बिन पिता के चार चार प्रतापी लाल, क्रिया बिन बिहाल परी उन्हीं की काया है। बाबरे विधाता विचित्र तेरी माया है। श्री तुलसीदास जी गीतावली में उल्लेख करते हैं, जननी निरखत बान धनु, राम जी के बचपन के खिलौने छोटे छोटे धनु छोटे छोटे बाण उन्हीं को देख रही है। और बार बार उर नैनन लावत प्रभु जी की ललित पनहिया। कभी सोचती हैं आज को भोर और सो माई, ये सवेरा कुछ और तरह का हो, शाम को कह रहे
मेरी पुत्रवधु सीता को आगे करके पुत्रवधु है, मुझसे आशीर्वाद लेने नहीं है। ये सीता को भी क्या हो गया, समय से प्रणाम करने आती थी, आज आई नहीं आशीर्वाद। तब तक कोई कहता है कि है नहीं वन में। वन का नाम सुन के माता रोने लगती है। वन में होंगे तो भो रही के भूखे हुए हैं, प्यासे मुख सूखे हुए हैं, चलत पाय दुखे हुए हैं, जगे मग रात के, सूरज की किरण लागे लाल कुमलाने हुए हैं, कंटक लगे ते जगा फाटे हुए हैं गात के, आली अब भई सांझ होए हैं काहू बन मांझ, भई क्यों ना बांझ ही ये फाटे क्यों ना मात के, त्याग के घरोना काहू बन के तरोना, तर सोए हुए हैं छोना बिछोना करी पात के। उसी समय भरत जी प्रवेश करते हैं, पति विहीना पूत हीना मातुरी तुम हो कहां, आ गया घर का वही षड्यंत्रकारी खल यहां। माता ने भरत जी की आवाज सुनी, दौड़कर गई पर मूर्छित अवन परी झाई आई, चक्कर आ गया गिर गई। जिस दिन से श्री राम बन गए हैं मां ने जल तक नहीं पिया है। गिर गई, भरत जी पास आए, मां आंख मत खोलो मुख न देखो, मां मेरा मुख देखने में पाप है, किंतु कह दो हे भरत तुम पर सभी का श्राप है। पर माता कौशल्या कहती है ऐसा न कहो, ओ भरत बेटा न तुझ में द्वेष की दुर्गंध है, साक्षिणी मैं हूं मुझे उस राम की सौगंध है। हो रही संताप से संतप्त मेरी आत्मा, आज उड़ा दे भानुकुल के निष्कलंकी चंद्रमा। माता भरत गोद बैठा रे, आंस पहुंच मृदु वचन उचारे, द्रोह करके के कही क्या हानि मेरी कर गई, देख ले कोई मेरी सूनी सी गोदी भर गई, आ गया मेरा वही तू राम सचमुच राम है, तू वही अरु वो तू ही भिन्न केवल नाम है, देख स्वभाव कहत सब कोई राम मात बस काहे। भरत रात भर रोते रहे, मां रात भर समझाती रही। सवेरे गुरुदेव आए, भरत जी को धीरज दिया, तुम्हारे पिता सोच करने योग्य नहीं है। वशिष्ठ जी कहते मैंने युग देखे और उन युगों के आधार पर आगे के युग भी त्रकालज्ञ। वशिष्ठ जी यह कहते हैं कि भय न है न को होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। समझाते हैं जैसे हुआ वैसे अंतिम संस्कार विधि पूर्वक श्री भरत संपन्न करते हैं। माताएं सती होने के लिए जाती हैं, गहिपद भरत मात सब राखी रही रानी दर्शन। दूसरे दिन सभा लगी, पर उस दिन सुमित्रा जी ने कहा शत्रुघ्न जो कुछ हुआ विधिवश होनी है, पर कैकेयी अकेली रह गई, उनकी सेवा में तुम जाओ, शत्रुघ्न तुम चले जाओ। शत्रुघ्न जी ने प्रवेश किया, एक संत का भाव है। शत्रुघ्न जी ने कुंडी खटखटाई, कैकेयी जी ने कहा मंथरा अब अपना अयोध्या में कोई नहीं, हम और तुम। लेकिन फिर भी कोई कुंडी खटखटा रहा, देख कौन है। मंथरा ने दरवाजा खोला तो शत्रुघ्न जी बिचारी कांप गई कि अब तो कोई बचाने वाला नहीं है। लेकिन शत्रुघ्न जी आकर कैकेयी माता के चरणों में प्रणाम करते हैं, मां मैं प्रणाम कर रहा हूं। और कैकेयी माता की दशा क्या हो गई, दो दिन में दुर्देव दशा यो कीनी तन की, श्वेत भये सिर केश छीन भई दृष्टि दीर्घन की, रक्त विहीना अस्थिमयी कंकाल देह में, मातु न जानी जाती यदि होती न गेह में, परी कुशासन पे विकल व्यापो हिये विशेष दुख, जीवन में देखियो न कहूं ऐसो दीन मलिन मुख।
उन कैकई माता को शत्रुघ्न जी ने प्रणाम किया, मां प्रणाम। कैकई जी बोली, किसको प्रणाम कर रहे, प्रणम्य न दिखे कोई कहीं नहीं, किसको प्रणाम कर रहे, प्रणम्य न दिखे कोई कहीं है, कोई आवो मत, काली मां अभी इस मुख की धोई नहीं है। मां मैं शत्रुघ्न। कैकई जी बोली, माता न कहो मुझे, मां मत कहो, माता न कहो, माता न कहो, उन चारु चंद्र रघुवंशी राजकुमारों में मैं किसकी माता बनूं, सुकीर्ति किसी ने खोई नहीं है। हां इतना है, जो मुझको माता कहता था, शिशुपन से जिसको सुत समझा, हतभागिनी दे वनवास उसे, क्षण भर भी रोई नहीं है। और यह सब जिस सुत के लिए किया, देकर सुहाग वैधव्य लिया, उसने भी त्याग विनीत दिया, तू मेरी कोई नहीं है। भरत ने भी मेरा त्याग कर दिया, लेकिन एक बात है, रोती रोती कैकई माता हंसने लगी और बोली, आज मैं धन्य हो गई, मैं बहुत प्रसन्न हो गई, क्यों, मेरे पुत्र भरत ने मेरा त्याग किया ना, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। अच्छा, भरत ने त्याग किया तो प्रसन्न क्यों? कैकई जी बोली, इसलिए मैं धन्य हो गई आज भरत ने, यद्यपि मुझको त्याग दिया, मैं धन्य हो गई आज भरत ने, यद्यपि मुझको त्याग दिया, कीच ही सही मलमई किंतु कीच ने कमल उत्पन्न किया। मैं भले ही कीचड़ हूं, पर भरत ऐसे कमल का जन्म इस कीचड़ से हुआ, मेरी दुर्गंध विनीत बहे, पर पुष्प मेरा सौरभमय है, रघुवंशी को जो उचित लाल का चरित्र वही गौरवमय है। लेकिन वे तो आपको मां नहीं कहते, भरत जी ने कभी मां नहीं कहा आपको। कैकेयी जी बोली, मैं जानती हूं, मुझे सबने समझाया, मुझे समझ नहीं आई, पर भरत ने घोरतम पल में नसाए दीनों दिखाए, विमल ज्ञान को उजेरो है, और तू मेरी नहीं कोई, विनीत वह भले ही कहे, पर मैं तो यह कहूंगी, सपूत वह मेरो है, मैं तो उसे पुत्र कहूंगी। यह है अयोध्या, यह है राम कथा, धन्य है राम जी का परिवार। दूसरे दिन सभा लगी, गुरुदेव वशिष्ठ विराजमान, माता कौशल्या विराजमान, और सब माताएं विराजमान, मंत्री जन, पुरजन, परिजन सब। अब यही हुआ, गुरुदेव ने प्रस्ताव रखा, राय राजपद तुम कहां दीन्हा, पिता वचन फुर चाहिए कीन्हा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज्यपद दिया है भरत, तुम सिंहासन पर बैठो, पिता की आज्ञा है और मैं भी कह रहा हूं, और अगर उचित न लगे तो जब तक राम जी लौट कर न आवे तब तक सिंहासन पर बैठो, उनके आने पर राज्य सौंप देना। गुरुदेव ने प्रस्ताव रखा, माता कौशल्या ने कहा, पूत पथ्य गुरु आयसु आई, गुरुदेव की आज्ञा पथ्य समझकर स्वीकार कर। मंत्री जनों ने कहा, कीजिए गुरु आयसु अवश्य कहीं सचिव कर जोड़, अवश्य गुरुदेव की आज्ञा का पालन करें। अच्छा, भरत जी सबकी बात सुनते हैं, लेकिन यही कहते हैं, गुरुदेव आप जो कह रहे हैं सो ठीक है, पर मेरा निवेदन सुन ले, मुझे यह पद नहीं चाहिए, मुझे इस पद पर ना बिठाओ गुरुदेव। क्यों भरत, तुम पद पर नहीं बैठना चाहते तो क्या तुम यह सिद्ध करना चाहते हो कि तुम पद के त्यागी हो इसलिए पद छोड़ रहे? तुम पद के त्यागी हो इसलिए पद छोड़ रहे हो? भरत जी ने कहा, गुरुदेव मैं तो पद का लोभी हूं इसलिए पद छोड़ रहा हूं। अरे त्यागी लोग पद छोड़ते हैं, लोभी आदमी थोड़ा ही पद छोड़ता है।
भरत जी ने कहा गुरुदेव कभी कभी लोभी आदमी भी पद छोड़ देता है। कहा कब? कहा किसी लोभी को बड़ा पद मिल जाए तो छोटा पद छोड़ देता है, किसी को बड़ा पद मिल जाए तो छोटा पद छोड़ देता है। तो अयोध्या के राज्य पद से भी कोई बड़ा पद है? हाँ है। कौन? आपन दारुण दीनता सब ही कहो सिरुना देखे बिनु रघुनाथ पद पद जिय के जरन न जा। राम जी के पद कमलों का दर्शन करना चाहता और गुरुदेव अयोध्या का राज्य पद है एक और राम जी के पद कमल है दो, और जिसे दो दो पद मिल रहे हैं वो एक पद के चक्कर में काहे को पड़ेगा। राम चरण सुख भज राम चरण सुख भज राम चरण सुख 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 राम चरण सुखदाई भजवन राम चरण सुखदाई चरण सुखदाई चरण 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 राम चरण देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरन न जाए। गुरु जी ने कहा कि अगर मैं जबरदस्ती तुम्हें सिंहासन पर बिठाऊं तो नहीं बैठोगे? भरत जी बोले बैठना पड़ेगा, गुरुर आज्ञा गरी असी, किंतु परिणाम बुरा होगा। मोहि राज हठ देहउ जबहि रसा रसातल जाई है तबहि, यह पृथ्वी रसातल को चली जाएगी अगर मुझे सिंहासन पर बिठा देंगे तो। गुरु जी ने कहा कि भरत कैसी बात कहते हो, इस धरती पर हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का राज्य रहा, पृथ्वी रसातल को नहीं गई। रावण कुंभकर्ण का राज्य रहा, पृथ्वी रसातल को नहीं गई। और भरत तुम्हारे जैसा महात्मा सिंहासन पर बैठ जाएगा तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी, यह बात हमें तो समझ में नहीं आती। भरत जी ने कहा गुरुदेव एक बात कहूं? हां, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का अत्याचार पृथ्वी माता सहन कर लेती है क्योंकि वो जानती है राक्षस है। रावण कुंभकर्ण का अत्याचार पृथ्वी माता सहन कर लेती है क्योंकि जानती है राक्षस है। लेकिन हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप और रावण कुंभकर्ण का काम अगर राम का भाई करने लगे तो पृथ्वी भरोसा किस पर करेगी? वह तो रसातल को चली ही जाएगी। भरत प्राण प्रिय भे सब ही के, क्या चाहते हो? प्रात 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 काल चली प्रभु प्रात काल चलिया
उपकार के। ये निर्णय हुआ, घर घर में तैयारी, पर वृद्ध और युवकों में झगड़ा। बूढ़े कहें राम जी से तो मिलने जाओ, लेकिन पहले घर मकान दुकान दफ्तर ये सब इंतजाम करके तब जाओ। युवक बोले आग लगा दो, जरा उस संपत्ति सदन सुख सुहृद मात पितु भाई सन्मुख हो तो जो राम पद करई न सहज सहाय, आग लगा। पर वृद्ध बोले नहीं नहीं ऐसा थोड़े ही, चलो भरत जी से फैसला करें। युवक कहते हैं कि राम जी से मिलने चलो चाहे इसमें आग लगे, और वृद्ध कहते कि नहीं यहां का इंतजाम पहले करो फिर राम जी से मिलने चलो। भरत जी से फैसला कराया गया, भरत जी से कहा आप बताएं। भरत जी ने कहा यहां की व्यवस्था पहले। युवक बोले राम जी के लिए आप छोड़ नहीं सकते ये? भरत जी बोले छोड़ सकता हूं, पर अपनी ही संपत्ति का तो व्यक्ति त्याग करेगा, और संपत्ति सब रघुपति के आई तो छोड़ने वाला मैं कौन? अच्छा ऐसा त्याग करना पड़े तो कोई भी त्यागी हो सकता है। एक जगह श्रीमद् भागवत की कथा हुई, श्री कृष्ण जन्मोत्सव था, तो सभी आनंद में जय कन्हैया लाल की है भाव से नृत्य कर रहे। एक सज्जन मंच पर ही चढ़ गए, वो मंच पर ही जय कन्हैया लाल की, और इतना कहते तो कहते रुपए उछालने लगे, 1,500 जय कन्हैया लाल की जय का, ये नोट कौन बरसा रहा? एक ने अरे अपने गांव का सबसे कंजूस आदमी, इसने तो कभी चवनी नहीं दी। किसी ने कहा कथा का पूरा असर इसी पे हुआ। दूसरा बोला हे भगवान कलयुग चला गया क्या ये, और बदल क्या? दूसरा बोला बदल तो नहीं सकता। तीसरा बोला जरा गौर से देखो। गौर से देखा तो श्रीमद् भागवत की पोथी पर जो रुपए चढ़े थे वही उठा, जय कन्हैया लाल जय कन्हैया लाल की जय। अरे वो कोई अपनी झोपड़ी में आग लगा है, कहे भाई क्यों आग लगा रहे? बोले बस त्याग उमड़ रहा, बैराग उमड़ रहा है तो त्यागी माना जाए। और किसी के मकान में किराए का कमरा लेके रहे और फिर आग लगावे क्यों? बोले बस त्याग। अरे त्यागी नहीं अपराधी, वो उसे फूंक रहा जो है ही नहीं उसका। भरत जी कहते हम छोड़े तो अपराधी हैं, जो बिनु जतन चलो तज ताही तो परिणाम न मोर भलाई। अच्छा तो आप नहीं छोड़ सकते? भरत जी बोले ना तो राजा बन जा, तो नहीं छोड़ते तो मालिक बनो। भरत जी बोले वही समस्या है यहां भी, अपनी चीज हो तो मालिक बने, अपनी हो तो त्याग करें, और अपनी संपत्ति हो तो मालिक बने। राम जी की संपत्ति है तो न मालिक बने न त्यागी बने, न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता जो पानी में, पद्म पत्र विवाम। अस विचार सुख सेवक बोले जे सपने निज धर्म न डोले। सबको व्यवस्थित किया और श्री भरत जी प्रस्थान करते हैं। सवारियां अलग अलग हैं पर सबका लक्ष्य एक है। संत कौन? जिसके साथ सब चल सके, या जो सबको साथ लेकर चल सके वह संत। अच्छा सवारियां अलग अलग मतलब साधनाएं अलग अलग भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, लक्ष्य अगर भगवत प्राप्ति है तो ठीक है चले। कोई हाथी पर बैठकर जा रहे हैं, अब हाथी पर बैठकर जाना यह मानो ज्ञान निष्ठा का सूचक है। हाथी का सिर बड़ा आंख छोटी, जिसका विचार बड़ा दृष्टि सूक्ष्म ज्ञान, और रथ में बैठकर जाने वाले धर्मात्मा, क्योंकि मानस में धर्म रथ का उल्लेख, और घोड़े पर बैठकर जाने वाले योगी चंचल, योगस चित्तवृत्ति निरोध, इंद्रियों के घोड़ों पर संयम की लगाम, और डोली में बैठकर जाने वाले भक्त। डोली में तो बस बैठना है, और डोली वैसे ही भक्त विश्वासपूर्वक बैठे। लेकिन भरत जी पैदल जा रहे हैं, और ये पैदल चलने वाले कौन है? का पैदल चलने वाले दो पांव से चलते, एक पांव आगे एक पीछे, फिर वो आगे फिर वो पीछे। ये दो पांव से चलने वाले ये राम नाम के दो अक्षर रटने वाले हैं। रे मन तू दो अक्षर पढ़ ले, दो अक्षर के राम नाम से जीवन अपना गढ़ ले, भगवान नाम बस।
अब भरत जी को पैदल चलते देखा तो सेवकों ने कहा घोड़े पर बैठ जाओ। भरत जी ने कहा कि राम जी पैदल गए और हम घोड़े पर बैठ कर जाएं, हमें तो इस रास्ते में सिर के बल चल कर जाना चाहिए। सुनि सेवक गण गरहीं गलान। पर भरत जी को पैदल चलते देखा तो सब पैदल चलने लगे, सभी लोग दृष्टि। कौशल्या माता ने कहा कि भरत तुम्हें को पैदल चलते देखकर ये सब पैदल चल रहे हैं, संदेश गलत जा रहा है, अर्थात हम ऐसा आचरण न करें ताकि लोग साधनाएं छोड़ दें, नियम छोड़ दें, तो इनके लिए बैठ गया। गुरु जी के संग रथ में बैठ गए और रथ जब श्रृंगवेरपुर के पास आया, सेना और सुनखाद राज को समाचार मिला तो भरत जी के साथ सेना और ये बस निखाद राज को भ्रम हुआ, भाइयों तैयार हो जाओ, सन्मुख लौह भरत सन ले जियत न सुरसरी उतरन दे समर मरण पुरी सुरसर तीरा राम काज छन भंग शरीरा और आज तैयारी करो। तैयारी होने की बात कही इतना काद छींक भई बाई बाई और छींक हुई। ज्योतिषियों से पूछा, ज्योतिषी बोले बाई और छींक होना शुभ है, युद्ध में विजय मिलेगी। पर उम्र की अपनी महिमा होती है, आयु का अपना अनुभव होता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशोबलम्। अब अभिवादनशील होकर अपने से बड़ों का सम्मान करने वाले के जीवन में आयु विद्या यश और बल की वृद्धि होती है, महाराज मनु का वचन है। और वृद्ध का सम्मान किया निखादराज ने, वयो वृद्ध ने कहा कि बाई ओर छींक होना शुभ है। ज्योतिषी बोले शुभ है, तो कहा यह क्यों सोचते हो कि युद्ध में विजय होगी, यह क्यों नहीं सोचते कि युद्ध ही नहीं होगा। निखाद राज ने कहा कि नीक कहे बूढ़ा और वृद्ध की बात मानने से झगड़ा टल गया। एक गांव में लगी आग, सभी गए भाग, लगे आग तो रुके कौन, पर दो उस आग में जलने के लिए मजबूर थे, एक अंधा एक लंगड़ा। अंधा खूब तेज भाग सकता था पर उधर ही भागे जिधर आग लगी थी, उसे दिखता ही नहीं था, और लंगड़े को आग दिखती थी तो भाग नहीं सकता था। तो लंगड़े ने अंधे को आवाज दी कि भैया दोनों जलेंगे, एक काम करो, क्या तुम हमें अपने कंधे पर बिठा लो, आंखें हमारी पांव तुम्हारे। अंधे ने लंगड़े को कंधे पर बिठा लिया, दोनों आग से बच गए। कहानी साधारण है पर संदेश बड़ा महत्वपूर्ण है। कैसे आज भी चारों तरफ अशांति की आग लगी है, घर घर में राग द्वेष ईर्ष्या की आग लगी है, सब जगह सब समाज में आग लगी हुई है। पर दो मिल जाएं तो आज भी समाज इस आग से बच सकता है। कौन? एक अंधा और एक लंगड़ा। अंधा कौन और लंगड़ा कौन? का अगर आज की अंधी जवानी लंगड़े बुढ़ापे को अपने कंधे पर बिठा ले, अनुभव की आंखें वृद्ध की हों और उत्साह के चरण युवक के हों, तो आज भी समाज इस अशांति की आग से बच सकता है। निखाद राज ने वृद्ध की बात मानी, झगड़ा टल गया। कहा लेकिन तुम तैयार रहो। भेंट लेकर गए, कंदमूल फल खग मृग मांगे, मीन पीन पाठी न पुराने, भरी भरी भार कहार न आने। सब चीजें लेके गए, कंदमूल फल सात्विकी वृत्ति के पहचान के लिए, खगमृग रजोगुणी वृत्ति की पहचान के लिए, और मीन पीन पाठीन पुराने तमोगुणी वृत्ति की पहचान के लिए। लेकिन भरत तो त्रिगुणातीत है। और उस समय श्री निखाद राज ने गुरुदेव वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। देख दूरी तें कही निज नाम। और वशिष्ठ जी ने देखा तो यह नहीं देखा कि यह श्रृंगवेरपुर का राजा है, और यह भी नहीं देखा कि यह निखाद है। संत की दृष्टि क्या था? जान राम प्रिय दीन आशीषा, ये राम जी का प्रिय है बस, ये ठीक है आशीर्वाद। भरत जी ने पूछा गुरुदेव यह कौन है? तो गुरु जी परिचय में क्या कहते हैं? राम सखा, ये राम जी का सखा है। और भरत जी ने सुना, सुन स्यंदन त्यागा, रथ से कूद पड़े। अच्छा रथ से क्यों कूद पड़े? इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा कि अयोध्या का राजा और ये श्रृंगवेरपुर के सामान्य शासक को देखकर रथ छोड़ दे। गुरुदेव आपने कहा कि राम सखा, मैं राम जी का सेवक हूं, ये राम जी का सखा है। सखा बराबरी का होता है, सेवक छोटा होता है, और सेवक
रथ पे चढ़ा रहे और सखा धरती पर पड़ा रहे, यह भक्ति भाव की मर्यादा नहीं है। तो सखा को देखकर सेवक रथ से कूद पड़ा। करत दंडवत देखते भरत लीन उरलाय, मनहु लखन सन भेंट भई प्रीति न हृदय समाय। देखो भक्ति की दृष्टि का चमत्कार है। अब वहां लक्ष्मण हैं कि नहीं, पर भरत जी को दिख गए। भरत जी को निखाद राज में लक्ष्मण जी दिख गए, और जब निखाद राज पूरे समाज को लेकर श्रृंगवेरपुर गए, राम घाट का दर्शन कराया कि यहां श्री राम जी ने स्नान किया, भरत जी तो गिर गए और चरणों में क्या धरती पर गिर गए। कैसा लगा का राम घाट कहां कीन प्रणाम, भा मन मगन मिले जनु राम। ऐसे लगा जैसे आज राम जी ही मिल गए। क्या कहूं आपसे। और रात्रि के समय सब सो गए। निखाद राज ने कहा आप सोए नहीं, जिन नैनों में नीर हो उनमें नींद कैसे, जहां रोना हो वहां सोना कैसे। तो विश्राम कब मिलेगा, राम जी का विश्राम स्थल दिखा दो। चले सखा कर सो कर जोरे, वहां शिशुपा वृक्ष के नीचे श्री भरत पहुंचे, वृक्ष को प्रणाम किया। निखाद राज ने कहा वृक्ष सौभाग्यशाली हो गया। भरत जी ने कहा हो नहीं गया है, अभागा कौन। माता कौशल्या ने कहा बड़ भागी बन अवध अभागी। प्रणाम किया और जब राम जी की साथरी देखी है, पूज्य श्री बिंदु जी महाराज का वह बड़ा प्रसिद्ध भाव है, इसमें कहते हैं कि राम जी इस सोने के महलन में चंदोबा चारु मोतिन के, हीरन की झालरें हिले हिलोर खाए, ऐसे भवनों में निवास करें। और आज सोई रघुनाथ माथ नीचे धरी हाथ सोए, पाथरी शिला पे कुछ साथरी बिछाए। यहां भरत जी रोने लगे और राम जी की साथरी तो देख ही लू, सी साथरी देख बेहनत हृदय नहारि हर पवित्र कठिन विषय। निखाद राज समझाते हैं उसी समय स्वर्ण बिंदु मिले, ये कहां से आ गए। निखाद राज ने कहा भरत जी जैसे आज आपकी आंखों से आंसू बरस रहे हैं, इसी तरह राम जी आंसू बहा रहे थे आपकी याद कर। और मैंने देखा जब जब व्याकुल हो तो आपको रोते हुए देखकर सीता जी व्याकुल हो जाए, तो जब जब व्याकुल होत सी अति ही पुलकित गात, तो अश्रु बिंदु होए मही गिरत कनक बिंदु होए जात। श्री सीता जी के नेत्रों से गिरते आंसू और धरती पर गिरते तो स्वर्ण बिंदु हो जाते। श्री भरत जी ने कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सीय सम लेखे। रात्रि भर विश्राम हुआ, सवेरे पूरे दल को चला दिया, पर भरत जी आज पैदल पैदल आए। शाम को पता लगा भरत तीसरे पहर कांकीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। बस दो प्रसंगों की एक झलक और फिर विराम। श्री भरत प्रयाग में आए। तीर्थराज प्रयाग का दर्शन बहुतों ने किया होगा, लेकिन जैसा श्री भरत जी ने देखा, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन बहुतों ने किया, पर एक भक्त ने कहा कि देखन को घनश्याम की मूर्ति चाहिए सूर्य की आंधेरी आंखें। श्री कृष्ण को का दर्शन करने के लिए तो सूरदास जी की दृष्टि चाहिए, और सही बात भी है। आत्मदर्शन के लिए ज्ञान की दृष्टि चाहिए, संत दर्शन के लिए श्रद्धा की दृष्टि चाहिए, और भगवान को देखने के लिए भक्ति की दृष्टि चाहिए। गंगा यमुना सरस्वती जी का संगम। एक बार पंडित मदन मोहन मालवीय जी प्रयाग पधारे, दिन भर कुछ कार्य था तो आधे दिन में ही पूरा हो गया, सोचा संगम स्नान करें। कुल पूज्य पंडा जी के पास गए, पंडा जी संगम स्नान। पंडा जी बोले जरूर, यह तो बड़ी सौभाग्य की बात है आप। अच्छा ठीक है, लेकिन मालवीय जी बोले पंडा जी जो आप संकल्प मंत्र बोले श्लोक शुद्ध उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। पंडा जी घबराए कि जो कुछ शुद्ध आता भी होगा इनके डर से और भूल जाएंगे,
लेकिन अब कह देंगे तो यजमान हाथ से जाएगा। तो कहा नहीं नहीं चलो सब सब गंगा मैया ठीक करेंगे, यमुना मैया आप तो बिरा दो। नाव में बिठा के चले, पर सोचा मालवीय जी भूल जाएंगे। मालवीय जी रास्ते में फिर बोले, पंडा जी याद है शुद्ध श्लोक? पंडा जी बोले हाँ याद है। अब संगम में ही पहुंच गए, अब कट पर्यंत जल में खड़े हुए मालवीय जी, पंडा जी खड़े, अब बस संकल्प मंत्र बोल। तब तक मालवीय जी बोले, पंडा जी याद है शुद्ध श्लोक? तो पंडा भी खींच गए थे इतनी देर से सुनते सुनते। तो पंडा जी बोले, मालवीय जी एक बात बताओ, आप कहाँ खड़े हो? का संगम में। कहा किनका संगम में? कहा गंगा जी, जमुना जी, सरस्वती जी। अच्छा गंगा जी कहाँ? तो मालवीय जी बोले, ये गंगा जी, जमुना जी, ये जमुना जी आई और सरस्वती जी। तो मालवीय जी के मुख से निकला कि यहाँ सरस्वती लुप्त हैं। तो पंडा हाथ जोड़ के बोला, तो मालवीय जी यहाँ सरस्वती लुप्त हो वहां आप शुद्ध श्लोक के उच्चारण की बात कर रहे हैं, यहां सरस्वती लुप्त हैं। मालवीय जी को खिलखिला के हंसे और पंडा की युक्ति पर बड़े प्रसन्न हुए कि वाह पंडा जी आप अद्भुत बात कही। तो पंडा जी ने अपनी दृष्टि से देखा लेकिन भरत जी ने किस दृष्टि से देखा? देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। उन्हें गंगा जी की धवल धारा में श्री सीता जी का दर्शन हुआ और यमुना जी की श्याम धारा में राम जी का दर्शन हुआ। जिन्हें गंगा यमुना में सीता राम दिख रहे हों, ये भक्त की दृष्टि है। एक भक्त ने कहा कि न जाने कौन सा ममीरा लगाए हुए थी मीरा, जो नयन मूंद कर भी घनश्याम देख लेती थी। ये भक्त की दृष्टि है। मीरा माता का स्वयं का पद है, जहर का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हांसी, विष के प्याले में उन्हें भगवान दिखाई। जिनकी मुझे बहुत कृपा और प्रेरणा मिली है, ऐसे पूज्यपाद श्री मानस जी महाराज ने इस प्रसंग में बहुत सुंदर छंद कहा, कर में प्यालो देख मीरा होए अधीर नाची, देख कालकूट नाची छाया महाकाल की, और नाच उठी दासी निज जीवन सफल जान, नाच उठी कुमति कराल नरपाल की, नाची देवांगना हुलास लिए मानस में, नाची अति आनंद में देह मुंड माल की, नाच उठी नैनन की पूतरी प्याले बीच, पूतरी में नाच उठी मूर्ति गोपाल। ये भक्ति की दृष्टि का चमत्कार। श्री भरत जी को संगम में सीताराम जी दिखते और भरत जी के हाथ जुड़ गए, मांगो भीख त्याग निज धर्म, आरत काहे न करई कुकर। भीख मांग रहे हो क्षत्रिय होकर, भक्त और भीख मांगे, धर्म छोड़कर आरत हूं इसलिए क्षमा, क्या चाहते हो? चार पदार्थ भरा भंडारू। भरत जी ने कहा, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। आहा, तीर्थराज प्रयाग बोले, तात भरत तुम सब विधि साधु। साधु कह देना काफी था, सब विधि साधु। मानो गंगा जी भक्ति की धारा है, राम भक्ति जहां सुरसरी धारा। भक्ति ने कहा, गंगा जी ने कहा तुम भक्ति की दृष्टि से साधु, यमुना जी ने कहा तुम धर्म की दृष्टि से साधु, सरस्वती जी ने कहा तुम ज्ञान की दृष्टि से साधु, और तीर्थराज प्रयाग ने कहा, तात भरत तुम सब विधि साधु। राम चरण अनुराग अगाध। अच्छा ये तो सबने चाह कि मुझे प्रेम मिले, जन्म जन्म प्रेम मिले, लेकिन सब ये चाहते हैं कि वो मुझे समझे तो कि हम उनके प्रेमी हैं। पर भरत जी कहते हैं, जानो राम कुटिल कर मोह, कोई समझे नहीं कि मैं प्रेमी हूं। फिर सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। इसीलिए श्री भरद्वाज जी ने कहा, जब भरत आए भरद्वाज जी के आश्रम में तो सिर झुकाकर बैठ गए। बड़ा संकोच है, मुनि कुछ पूछेंगे, मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू। पर भरद्वाज जी ने देखा, नतक ग्रीव श्री भरत, कमल विलोचन श्री भरत,
प्रेमाश्रु बरसा रहे हैं, सिर झुकाए बैठे हैं। भरद्वाज जी ने कहा मैं कुछ नहीं पूछूंगा, संकोच मत करो, हमें सब पता लग गया, लेकिन भरत मैं इतना ही पूछूंगा, तुम अपना परिचय दो। दशरथ नंदन कहोगे तो मैं नहीं मानूंगा, श्री राम अनुज कहोगे तो मैं नहीं मानूंगा, कैकेयी किशोर कहोगे तो भी मैं नहीं मानूंगा। भरत तुम्हें मैं जानता हूं, तुम क्या हो? दशरथ नंदन भरत नहीं, श्री रामानुज भरत नहीं, कैकेयी किशोर भरत नहीं, तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जनु राम सनेहू। तुम तो साक्षात राम प्रेम हो भरत, प्रेमी नहीं प्रेम हो। और एक बात कहूं, मैं झूठ नहीं बोलता, उदासीन राग द्वेष मेरे मन में है नहीं, किसी की अपेक्षा उपेक्षा नहीं है, और वन में रहता हूं तपस्वी हूं। एक बात कहूं, अगर कोई मुझसे पूछे कि जीवन भर साधना भजन किया उसका फल क्या, का फल यह मिला लखन राम सिय दर्शन पावा। जिंदगी भर के भजन का फल है श्री सीता राम लक्ष्मण का दर्शन, तो भजन का फल भगवान का दर्शन। और कोई मुझसे पूछे कि भगवान के दर्शन का फल क्या है, तो मैं कहूंगा भरत तुम्हारा दर्शन, तेई फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहत प्रयाग सुभाग हमारा। भरत तुम फल के फल हो, जीवन का फल अगर परमात्मा है तो तुम फल के फल। कैसे? फल का फल क्या? का रस, और प्रेम ही तो परमात्मा का रस है। रात्रि भर रहे, यद्यपि व्यवस्था ऐसी हुई कि देख हरस विस्मय बस लो, लेकिन भरत जी को तो सुधी ही नहीं है। सवेरा हुआ, मिल जाओ राम तरस नहीं अखियां। श्री भरत चले जा रहे हैं और देवता योजना बना रहे हैं, मिलने न पाए। गुरु जी से, देव गुरु से देवराज इंद्र कहते हैं ये मिल जाएंगे। अगर भरत जी कहेंगे तो राम जी अयोध्या लौट आएंगे, अवश्य अवश्य लौट आएंगे। इंद्र बोले तब तो काम बिगड़ जाएगा। देवगुरु बोले लेकिन लौटेंगे नहीं। क्यों? भरत जी कहेंगे तब तो लौटेंगे राम जी, कहने जा रहे हैं तो कहेंगे क्यों नहीं? तुम नहीं जानते, भरत ही जान राम परिछाई। परिछाई शरीर को अपने हिसाब से नहीं चलाती, शरीर के हिसाब से चलती। निखादराज कह रहे थे हम रास्ता बताएंगे, वे रास्ता भूल गए। और देवता कह रहे थे कि हम मिलने नहीं देंगे। अरे ये रास्ता भूल क्यों गए? सब नशे में जा रहे। कौन सा नशा? का करत मनोरथ जस जी है जाके, जाहि स्नेह सुरा सब अच्छा के। सखई स्नेह विवस मग भूला, कई सुपंथ सुर बरसहि फूला। देवता रास्ता बता रहे, निखाद राज रास्ता भूल गए। और श्री भरत चित्रकूट आ गए। राम सेल शुभ निरखी भरत हृदय अति प्रेम, तापस तप फल पाए जिनी सुखी सिराने ने। भरत जी ने सबको ठहरा दिया मंदाकिनी गंगा के किनारे, और निखाद राज के साथ श्री भरत और शत्रुघ्न जा रहे हैं राम जी के दर्शन के लिए। देखो तुलसीदास जी जब रावण आदि राक्षसों का वर्णन करते हैं तो वहां लिखते हैं, वहां निशाचर रहाई ससंका, वहां दूत एक मरम जनावा, वहां अर्धनिश रावण जागा। इसका अर्थ राम जी के लिए, यहां प्रात जागे रघुराज, यहां भानुकुल कमल दिवाकर। और राक्षस बोले राक्षस वहीं रहे सो अच्छे, यहां तो राम जी रहे, हम तो राम जी की तरफ है, हम उधर नहीं इधर है। लेकिन एक जगह तुलसीदास जी ने एक क्रम बदल दिया, चित्रकूट में। चित्रकूट में लिखते वहां राम रजनी अवसर, वहां। और भरत जी का यहां भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाय। आपने दल बदल दिया है क्या? तुलसीदास जी बोले क्यों? का राम जी के लिए यहां लिखते थे वहां लिखने लगे। का रावण एक तरफ, एक तरफ राम जी हो तो हम राम जी की तरफ है रावण की तरफ है, पर एक और श्री भरत दूसरी और श्री राम जी हो तो हम भरत जी की तरफ है राम जी की तरफ है।
अच्छा भरत जी की तरफ क्यों हो, यहां तो बड़ी भीड़ है। तुलसीदास जी बोले हमारे लिए भीड़ अच्छी, तो साधु हो तुम्हें भीड़ हमारे लिए अच्छी है, क्यों? खरा सिक्का अकेला ही चल जाता है, पर खोटा सिक्का तो भीड़ में ही चलता है। तो राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो, राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन। भरत जी की तरफ और निखादराज आगे आगे जा रहे हैं। भरत जी सोचते हैं सीता राम लक्ष्मण वह स्थान छोड़कर न चले जाए जहां है। राम जी तो मुझे छोड़कर जाएंगे, पर मैं राम जी को छोड़कर कहां जाऊंगा, मोरे शरण राम ही की पनही। और पनही को छोड़कर पांव जा सकता है, पर पनही पांव को छोड़कर। माता की करनी याद आती है तो पांव आगे नहीं बढ़ता, राम जी के स्वभाव की याद आती है तब पथ परत उताव। चरण आगे जा रहे हैं, मन पीछे जा रहा है, जल प्रवाह जल अली जैसी, जैसे जल के धारा में मछली उल्टी चल रही हो। उसी समय निखाद राज ने कहा, तेहि अवसर के वट चढ़ी धाई, कहई भरत सन भुजा उठाई, नाथ देखिए बेटक किसाना पाकरी जम्बु पमाला। मध्य बट सोहा बट छाया वेदिका बनाई, दिए निज पान सदो वेदी परम साधु समाज सिए सहत राजत राजत जत रघुराज। इतनी दूर से दिखाया, वह देखिए महाराज पाखड़ जम्बू रसाल समाल के वृक्ष, उनके बीच में बट वृक्ष और बट के नीचे वेदी, वेदी पर मुनि मंडली के मध्य श्री सीताराम। पर भरत जी भूल गए दूरी, करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। श्री भरत शत्रुघ्न। नमस्ते दोस्तों, तरुण मंथन में आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल पर हम सद्गुरु के शिक्षाप्रद संदेशों को अनमोल ज्ञान के साथ साझा करते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।